हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी सब्जी जो पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। घर की ही चीज़ों से आज मैं एक ऐसी सब्जी बना रही हूँ। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बेसन से बिल्कुल पनीर जैसी सब्जी बनाएंगे। बेसन की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है बेसन, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज। सबसे पहले हम लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बना लेंगे एक साथ, तीनों को मिला करके। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा पहले ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि वो जल्दी नहीं पिसता, इसलिए थोड़ा सा उसे पीस लेंगे अलग से। उसके बाद हम प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज जल्दी पिस जाती है। तीनों को पेस्ट बना करके रख लेंगे, और टमाटर और हरी मिर्ची का भी पेस्ट बना लेंगे एक साथ। अब हम टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। बेसन की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बेसन की सब्जी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे बेसन, एक बॉल में डाल लेंगे। उसके बाद उसमें नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच तेल डाल लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। उसके बाद इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, और एक साइड पानी उबालने के लिए रख देंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल अलग तरीके और नए तरीके से बना रहे हैं बेसन की सब्जी। बेल करके रख लेंगे। ये बेसन की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप बेसन की सब्जी जरूर एक बार ट्राई कीजिए। पानी में हमारे उबाल आ गया है, अब उसी में हम बेसन की जो पूरी बनाई है रोटी, उसे उबाल लेंगे। 10 मिनट तक हम उबाल लेंगे अच्छे से, जिससे हमारा जो बेसन है अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जिसका पानी है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी को हम ग्रेवी में डाल देंगे। अब एक कढ़ाई रखेंगे, और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे सरसों का। जब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, खड़ी, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, पीस करके रखा था, और सबको एक साथ अच्छे से भून लेंगे। जब हमारी प्याज थोड़ी गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ा पानी डाल करके मसाले पका लेंगे अच्छे से। जब मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम टमाटर की जो पीस करके रखे थे, टमाटर का पेस्ट बनाया था, वो डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। और अच्छे से ग्रेवी को पका लेंगे। जब हमारी ग्रेवी पक जाएगी, उसके बाद हम जो पानी रखा था, रोटी उबाली थी बेसन की, उसी पानी को डाल देंगे और ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। अब जो हमने बेसन की रोटी बनाई थी वो
काट लेंगे। एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से ठंडी हो गई है, अब इसकी हम पीस काट लेंगे। इसकी आप मन पसंद पीस काट सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब हम ग्रेवी में डाल देंगे और इन्हें भी 10 मिनट तक पका लेंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और धनिया पत्ती। हमारी सब्जी बन चुकी है, परोसने के लिए तैयार है गर्मा गर्म सब्जी। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार आप भी ज़रूर बनाइए घर पर। ये हमने अदरक के लच्छे काटे थे, गर्मा गर्म सब्जी परोसिए।